नमस्कार, आप देख रहे हैं बीज न्यूज़ और मैं पुरुषोत्तम सैनी। आप पहुंचा हूं नकुड़ में, और आपको बता दूं चार चार बार नकुड़ विधानसभा से विधायक रहे और पूर्व मंत्री रहे डॉक्टर धर्म सिंह सैनी हमारे साथ मौजूद है। और आपको बता दें आज पूरे देश के अंदर महात्मा ज्योतिराव फूले का आज 196वां जन्मदिवस बड़ी धूमधाम तरीके से मनाया जा रहा है। मंत्री जी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। जी मंत्री, पहले स्वागत करता हूँ आपका बीज न्यूज़ पर। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। काफ़ी दिन बाद आप बीजेडी पर आए हैं, पहले तो क्या कहना चाहेंगे तमाम दर्शकों को? आपको जानना चाहते हैं दर्शक, आज जैसे कि 196 वर्ष जन्म जयंती आज ज्योतिबा फुले जी की मनाई जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? आज मैं पूरे देश और पूरे विश्व को और विशेषकर अपने उत्तर प्रदेश और अपनी विधानसभा नकुड़ को, जनपद सहारनपुर को मैं शुभकामनाएँ देना चाहूँगा, यहाँ के सभी पूरे भाइयों बहनों को भी, कि हम आज महात्मा ज्योतिबा फुले जी को 196वां जयंती मनाने का कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने इस देश में महिला पुरुष सबको एक शिक्षा की अलख जगा करके शिक्षित करने का काम किया है। और विशेषकर माता सावित्रीबाई फुले का भी हृदय से धन्यवाद और करना चाहूँगा मैं, कि आज अगर यहाँ महिला शिक्षित है, चाहे वो दलित पिछड़े और अपर कास्ट के समाज की हैं, वो शिक्षित अगर वो देन है तो केवल महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले की है। आज पूरे देश में महात्मा ज्योतिबा फुले जी के जन्म उत्सव को आज मनाया जा रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अशोक गहलोत सरकार को, राजस्थान के मुख्यमंत्री को, का कि उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले जी का आज जयंती का जो सार्वजनिक छुट्टी की है उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं, उन्हें बारंबार प्रणाम और धन्यवाद। चलिए, राजस्थान सरकार का तो आपने शुक्रिया अदा किया, वर्तमान में बाबा योगी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, यहाँ की सरकार से क्या निवेदन करना चाहेंगे खासतौर से? मैं इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से माननीय योगी जी कानून व्यवस्था को साथ लेकर के दलित पिछड़ों को साथ लेकर के चलने की बात कर रहे हैं, इसका भी मैं उनका स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। लेकिन उनसे आग्रह भी करता हूँ, ये समाज ही नहीं, पूरा पिछड़ा समाज ही नहीं, हर महिला हर पुरुष इस देश का और इस विशेषकर इस प्रदेश का मांग करता है माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि आप उत्तर प्रदेश में महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती को सार्वजनिक छुट्टी घोषित करें, जिससे कि सरकारी कर्मचारी या अन्य संस्थानों में कार्य करने वाले हमारे भाई भी और बहन भी महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती को अपने तरीके से इकट्ठा होकर के मनाने का काम कर सकें। यही मैं उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करना चाहूँगा। और आज मैं फिर पूरे देश के, पूरे प्रदेश के और जनपद सहारनपुर के और विशेषकर अपनी विधानसभा नकुड़ के सभी भाइयों बहनों को आज उन्हें बधाई देना चाहूँगा कि महात्मा ज्योतिबा फुले जी को हम याद करें, नमन करें, प्रणाम करें और हमेशा उन्हें याद रखें, अपने घरों में उनका चित्र लगा करके उनकी पूजा करें। इससे बड़ा और कोई काम नहीं हो सकता हम लोगों के लिए। आपसे मंत्री जी, अभी हाल ही में देखा, दो दिन पूर्व यहाँ पर एक कार्यक्रम किया गया नकुड़ के अंदर, सॉरी गंगो के अंदर, जिसमें कुछ युवाओं के अंदर कुछ भ्रांति थी, कुछ नाराजगी थी सरकार के प्रति, क्या कुछ कहेंगे कि पिछड़े समाज का कहीं ना कहीं इस सरकार में दमन हो रहा है? नहीं, देखिए सरकार के प्रति संभवतः नहीं थी, लेकिन यहाँ 20-25 वर्ष पहले ये जो युवा वर्ग खड़ा हुआ है, ये जब पैदा हुआ था 2002 के लगभग, या दूध पीता था या पैदा हुआ था, इन्हें उन अन्याय अत्याचारों का, यहाँ के इस जनपद के अन्याय अत्याचारों का, अपने समाज पर होते हुए, पिछड़े समाज पर होते हुए अन्याय अत्याचारों का कि पूरे तरीके से जानकारी नहीं थी, क्योंकि ये एक आज़ाद माहौल में पैदा हुए थे। हमारे बड़े, इनके बड़े, सब ने बहुत पूरे तरीके से अन्याय अत्याचार यहाँ देखे हैं, जुर्म देखे हैं, और विशेषकर हमारे समाज पर। कुछ दिनों के लिए ये अन्याय अत्याचार हमारे समाज पर रुके थे, लेकिन दुर्भाग्य कि आज उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही अच्छी सरकार चल रही है, यशस्वी मुख्यमंत्री जी कानून व्यवस्था को बहुत मजबूत और दुरुस्त करके चलने का काम कर रहे हैं, लेकिन जनपद सहारनपुर में हमारे समाज का जिस तरीके से शोषण हो रहा है वो काबिले बर्दाश्त नहीं है, वो बर्दाश्त से बाहर है। अन्य समाज का ये भी कहना है कि जिले में मंत्री हैं आपके जसवंत सैनी जी, जिला अध्यक्ष हैं महेंद्र सैनी जी, और डिप्टी सीएम आपकी समाज से हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए माननीय डिप्टी सीएम गांव, शहर, जिला जा करके नहीं देख सकते, ये देखना पड़ता है क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को, ये देखना पड़ता है क्षेत्र से, जनपद से, जिले में समाज के मंत्रियों को। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस बीच में
कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जो जिला अध्यक्ष बना रखे हैं श्री महेंद्र सिंह सैनी जी, जो वो समाज का पीड़ा उनके अंदर है, वो समाज की समस्या वो पूरे तरीके से सुनते हैं। मैं हृदय से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य न होते हुए भी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूँ डॉक्टर महेंद्र सिंह सैनी जी की, कि वो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के रूप में जैसे सैनी समाज की का संरक्षण कर रहे हैं, मैं बारंबार समाज की तरफ से उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। उनके अलावा जितने भी यहाँ चाहे कोई भी हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वो हमारे समाज का शोषण करने का के अलावा और कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि जो लोग ऐसे जो समाज पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक के रूप में माना जाता हो और उसका सहारनपुर जनपद में इस तरह शोषण हो रहा हो, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा इस पर विचार करना होगा और या इस समाज का संरक्षण करना होगा, यही मेरा आग्रह है। और मैं दूसरी बात राजनीतिक रूप से एक और कहना चाहूँगा, नगर निकाय की चुनाव की घोषणा हो गई है, मैं आग्रह करना चाहूँगा जनपद सहारनपुर के भारतीय जनता पार्टी के संगठन से कि यहाँ कम से कम 2 टिकट सैनी समाज को मिलने चाहिए, नकुड़ और कम से कम 1 छुटमलपुर नगर पंचायत से, 1 नगर पालिका नकुड़ और 1 नगर पंचायत छुटमलपुर से, तो कम से कम सैनी समाज का हक बनता है और वहाँ से दोनों को भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बना जाना चाहिए। मैं सीमा पार करके, मैं दल में न होकर के भी उन दोनों की पूरी मदद करने का काम करूँगा, ये तय करना भारतीय जनता पार्टी का काम है कि समाज के वो किन व्यक्तियों को देते हैं टिकट, वो काम पार्टी का है। दो हजार सत्ताईस दूर है, 24 की तैयारियां चलने में आ रही है, कुछ बता रहे हैं कि मंत्री जी इस बार 2024 को साधने की तैयारी में, वाकई में कुछ सच है? नहीं देखिए, मैं कुछ साधने की तैयारी में नहीं हूँ, मैं अभी तबीयत खराब है, बेड रेस्ट पर हूँ। आज पहली बार चुनाव के बाद में मैं पहली बार, क्योंकि मेरे भगवान, मेरे देवता, मेरे महापुरुष महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जन्मदिन है और आज मैं कुछ इस स्थिति में हूँ, मेरा स्वास्थ्य कुछ सही है, इसलिए मैं आज यहाँ, मेरा जिम्मेदारी भी थी, मेरा कर्तव्य भी था, मेरे समाज के लोगों में उत्साह भी था, मेरे युवाओं में एक बहुत बड़ा उत्साह था कि महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती हम भव्य रूप से मनाने का काम करें, और मैं इसमें आज जो है शामिल होने का काम किया है। मैं आपका हृदय से आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने आकर के हमारे समाज की जो बातें आपने जो सरकार तक पहुँचाने का काम करेंगे, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो मंत्री जी, जैसे कि समाज आपके सामने है, तमाम सैकड़ों की तादाद में आपका समाज आपके साथ में लगा हुआ है, तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मंत्री के द्वारा बीजेपी में वापसी होने जा रही है, लगातार आपकी बीजेपी के मंत्री से लगातार दोहरे हो रहे हैं, तो जितने भी जनता है जानना चाहते हैं कि सुख समाचार कब देने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, ऐसा है कि किसी के सुख दुख में शामिल होना वो किसी भी दल, किसी भी पार्टी का हो सकता है, किसी भी समाज, किसी वर्ग का भी हो सकता है, सुख दुख में शामिल होना अलग बात है। अभी तक ना मेरा कोई इरादा ऐसा है, अभी बहुत समय है और समय आएगा, जो समाज कहेगा, जो सही होगा उस पर देखा जाएगा, पूरे समाज की राय के अनुसार ही अगला कदम उठाने का हम काम करेंगे। नकुड़ के अंदर मौजूद यहाँ पर पूर्व विधायक धर्म सिंह सैनी और लगातार 3 बार मंत्री रहे, धर्म सिंह सैनी ने जयंती में आकर लगातार समाज के प्रति अपनी भावना, आप किस वीडियो में क्या रहे कमेंट बॉक्स में लिखना न भूले। नकुड़ से पुरुषोत्तम सैनी, खास रिपोर्ट, धन्यवाद।